त्योहारों के मौसम में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। बुकिंग हफ्तों से पेंडिंग चल रही है। लोग किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस भीड़ से संक्रमण को भी न्योता मिल रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर हम दिखा रहे हैं जमशेदपुर की। तो जमशेदपुर में भीड़ देखी जा रही है लोगों की टिकट को लेकर के, क्योंकि किसी भी तरह लोग त्योहारों में अपने घर रहना चाहते हैं और बस अड्डों पर भीड़ देखी जा रही है, घर जाने की होड़ लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, त्योहारों में लोग घर पहुंचना चाहते हैं, कैसे भी वो पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं वो संक्रमण को भी न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल अमन, देखिए आपने सही कहा कि पर्व त्योहार में लोग जो अपने घर से बाहर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं अपने घर पे अपने गांव पे जाके पर्व त्योहार का मनाने का ये रहता है। लेकिन ये बस स्टैंड आपको हम दिखाते हैं, सांची का बस स्टैंड। देखिए अभी फिलहाल यहाँ बस स्टैंड में वो स्थिति तो नजर नहीं आ रही है जो स्थिति कोरोना काल से पहले नजर आती थी। देखिये खलासी और कॉन्ट्रेक्टर बैठे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि लोग थोड़े डरे समय जरूर हैं, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो खत्म नहीं हुआ है, जरूर थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में लगातार एक दो दो दिन छोड़कर जो है जो कोरोना जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अगर हम बस स्टैंड की बात करें, जो अमूमन जो बस स्टैंड जो खलासी है, जो कॉन्ट्रेक्टर है, जो टिकट काटने वाले काउंटर वाले लोग हैं, उनसे बात करने से ये साफ प्रतीत होता है कि उस तरीके का भीड़ नजर नहीं आ रहा है जो भीड़ पहले नजर आती थी, चाहे कोरोना काल के पहले। कहीं ना कहीं कोरोना काल का असर है, साथ ही साथ ही महंगाई है। कुछ टिकट काउंटर में काटने वाले टिकट काटने वाले हमारे साथ भाई साहब हैं, हम थोड़ा बाहर आ जाए तो इनसे हम जिके जान लेते हैं। पर्व त्योहार में लोग बाहर जाते हैं, गाँव जाना चाहते हैं, क्या स्थिति है अभी फिलहाल आपके बस स्टैंड में? बस स्टैंड में भीड़ भाड़ नहीं चल रहा है, बहुत सारा सीट खाली है और लोग मतलब कि लोग बजट से बाहर है अभी, क्योंकि कोरोना में ऐसे भी सारा लोगों को दिक्कत हो चुका है, सबका बजट से बाहर है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो पैसेंजर कम मिल रहे हैं, गाड़ी सारी खाली है अभी। क्या लगता है क्या कारण है इसका? सारा वजह तो कोरोना ही है, कोरोना में सबको दिक्कत हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने को पैसा नहीं है तो लोग कहाँ से जाएंगे, लोग पर्व त्योहार कहाँ से मनाएंगे, कपड़ा लत्ता कहाँ से वाला चौक खरीदेंगे, प्लस अभी आपको स्कूल का फीस इतना देना है लोगों को, शिक्षा दीक्षा भी देना है, जिसके चलते अब शिक्षा दे लोग स्कूल का फीस भरे कि लोग बच्चों का कपड़ा खरीदे कि पर्व त्योहार मनाए, जिसको लेकर काफी चिंतित है, अभिभावक भी काफी चिंतित है, जिसके चलते मतलब पर्व त्योहार पर असर है, बिजनेस पर असर है, हर बिजनेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते सबको प्रॉब्लम है। बिल्कुल, देखिए अमन, जैसे ये टिकट काटने वाले व्यक्ति हैं बता रहे, देखिए टिकट काउंटर में उस तरीके से जो भीड़ दिखनी चाहिए वो भीड़ नहीं नजर आ रही है, क्योंकि लोग इक्का दुक्का नजर आते हैं। देखिए ये टिकट के लिए आ रहे हैं लोग, लेकिन वो स्थिति जो पहले देखी जाती थी वो नहीं है। क्या कारण मांगते हैं कि भीड़ नहीं आ रहा, चाहे भीड़ कैसे, क्या लगता है कि आप लोगों का रोजगार पर क्या असर, कोरोना का असर दिख रहा है? कोरोना का पूरा असर है अभी की डेट में, कोरोना काल जो था उस समय परेशानी था ही, और अभी भी कोरोना जो लॉकडाउन टूटने के बाद भी गाड़ी घोड़ा चल रहा है मगर सवारी नहीं निकल रहा है, तो अभी भी वही स्थिति है, अभी स्थिति कुछ सुधरा नहीं, गाड़ी में सवारी नहीं हो रहा तो कैंसिल हो जा रहा है, दिन भर आदमी काम करता है, शाम को कैंसिल होने के बाद पैसा नहीं मिलता है, इसमें मालिक को भी परेशानी है और साथ ही साथ जो काम करते हैं हॉकर बुकर एजेंट जो भी है सबको परेशानी है, अभी स्थिति सुधरा नहीं। बिल्कुल, देखिए अपन जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि पर्व त्योहार के समय में जो भीड़े नजर आती थी बस स्टैंड में, हाँ ये जरूर है कि रेलवे स्टेशन पे थोड़ी भीड़ जरूर है, क्योंकि रेलवे का टिकट दो महीना पहले एक महीना पहले बुक होता है, वो थोड़ी होते, लेकिन कहीं ना कहीं लोग थोड़ी डरे समय जरूर है। इस कोरोना का जो कहर है वो पूरे दुनिया को अफेक्टेड किया, साथ ही साथ देश अपने राज्य अपने जिले को भी अफेक्टेड किया है, तो जो स्थिति पहले नजर आती थी वो नहीं है। देखिए बस स्टैंड ये देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार जिस तरह से बार बार यही कह रही है कि लोगों को सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी त्योहारों का टाइम है और हर जगह भीड़ देखने को मिलती है, तो इसलिए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी जो है उसका पालन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी कहीं वो सच साबित ना हो जाए।
बिल्कुल आपने अमन सही कहा कि देखिए जिस तरीके से दूसरी लहर को हम लोगों ने देखा है, झेला है, हर कोई ने देखा है उसे, वो स्थिति ना हो, इसीलिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। ठीक है, फेस्टिवल है, लोग फेस्टिवल मनाते हैं, फेस्टिवल मनाना भी चाहिए, अपने पूजा पाठ में लीन भी होना चाहिए, लेकिन कोरोना का जो कहर है वो अभी भी खत्म नहीं हो, उसकी जो गाइडलाइन है उससे जरूर पालन करना चाहिए। अगर बाजारों में आप जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें। अब क्या है कि पूजा के समय में ये देखा जा रहा है कि लोग थोड़ी जरूर लापरवाह हैं, यही लापरवाही कहीं खतरे की घंटी ना हो जाए तीसरी लहर को लेकर, जो आशंका जता रही। अगर आप चेहरे से मास्क हटाते हैं, अगर बाजारों में जाते हैं, कहीं एक व्यक्ति अगर संक्रमित रहा तो पूरा बाजार को संक्रमित करेगा, आप परिवार को संक्रमित करेंगे, अपने जिला को संक्रमित, अपने राज्य को संक्रमित करेंगे। इसलिए जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप फेस्टिवल जरूर मनाएं और गाइडलाइन के तहत मनाएं। ऐसी भी दुर्गा पूजा को लेकर अगर हम कहें पूर्वी सिंहभूम में, तो कहीं भी एक तरीके से भव्य पंडाल नहीं बनाया, क्योंकि सरकार का आदेश है कि आपको बड़े पंडाल नहीं बनाना, मूर्ति 5 फीट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ये पालन तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग थोड़ी से लापरवाह अभी भी नजर आ रहे हैं। इसके लिए हम और आप ही जिम्मेवार है, जो आम आदमी वो जिम्मेवार है। अगर वो आम आदमी अगर अपने आप को समझ ले कि नहीं, हमको अगर बाजार जा रहे हैं, चाहे कहीं हम पूजा घूमने जा रहे हैं, तो कम से कम चेहरे पे जरूर मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और साथ में पॉकेट में सैनिटाइजर जरूर रखें। देखिए अमन, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, देखिए कितने दिनों से काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम अपने पॉकेट में अभी भी सैनिटाइजर रखते हैं और मास्क लगा के, क्योंकि जो पब्लिक प्लेस है, अगर हम पब्लिक प्लेस में जाने जाते हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है अपने पास रखना, क्योंकि यही चीज आपको सेफ करेगा। अगर आप जरा सी लापरवाही करते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ता जाएगा और फिर थोड़ी सी लापरवाही और फिर से कहीं ना कहीं कोरोना जो है उसके संक्रमण बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने घर में रहें, ज्यादा बाहर अभी भी ना निकले, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कोरोना के कारण बसों में भीड़ भी देखी जा रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन की बात कर दी जाए तो रेलवे स्टेशन में भी भीड़ देखी जा रही है। सभी को होड़ मची है अपने घर जाने की त्योहारों में, लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर जा रहे हैं तो सावधानी के साथ पहुंचे अपने घर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।